नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंटीबायोटिक्स के नाम से हम सभी अच्छे से परिचित हैं। हम ये भी जानते हैं कि जब कोई बीमारी गंभीर रूप लेने लगती है तो हमारे डॉक्टर उस पर काबू पाने के लिए हमें एंटीबायोटिक्स लेने की सलाह देते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेने से नुकसान भी होता है और कई बार आधा इलाज कर इन्हें बीच में ही बंद कर दिया जाए तो ये आपके शरीर पर असर करना बंद कर सकती है। इन्हीं सब कारणों से परेशान होकर कई लोग अब नेचुरल एंटीबायोटिक्स की तरफ रुख कर रहे हैं। इनमें अच्छी बात ये है कि इन प्राकृतिक एंटीबायोटिक्स से उपचार तो होता ही है, साथ में कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं कुछ नेचुरल यानी प्राकृतिक एंटीबायोटिक्स जो दुनिया भर में इलाज के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। सबसे पहला है लहसुन, जिसे हम गार्लिक भी कहते हैं। लहसुन एक ऐसा नेचुरल एंटीबायोटिक है जो एंटी फंगल एंड एंटीवायरल का काम करता है। आपको बता दें कि 1999 की एक रिसर्च में पाया गया था कि लहसुन में ऐसे विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया दूर करने में बहुत मदद करते हैं। आपको 2 से 3 लहसुन खाली पेट खाना चाहिए। आप खाने में भी लहसुन मिला सकते हैं। नेक्स्ट नेचुरल एंटीबायोटिक जो आप यूज कर सकते हैं वो है शहद या हनी। क्या आप जानते हैं कि शहद को सबसे बेहतरीन घरेलू एंटीबायोटिक माना जाता है? इसमें एंटीसेप्टिक, एंटीमाइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व मौजूद होते हैं। 2014 की एक रिसर्च के अनुसार शहद में अलग अलग स्तर पर इन्फेक्शन से लड़ने के गुण पाए जाते हैं। साथ ही इसमें इम्यून सिस्टम मजबूत करने की क्षमता होती है। रोजाना दालचीनी में बराबर मात्रा में शहद मिलाकर पीने से लाभ होता है। इसके बाद है हल्दी या टर्मेरिक। क्या आप जानते हैं हल्दी में अद्भुत औषधीय गुण होते हैं? हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो शरीर में मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करते हैं। हल्दी मस्तिष्क के कार्य को बेहतर बनाने और गठिया के दर्द और जोड़ों के दर्द को कम करने में भी मदद कर सकती है। इसके लिए हल्दी दूध नियमित रूप से लें और अपने भोजन में कच्ची हल्दी डालें। ऐसा करने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनेगी। नेक्स्ट इन लाइन है लौंग, जिसे इंग्लिश में क्लोव भी कहा जाता है। मसालों में उपयोग होने वाले प्रमुख मसाले के तौर पर लौंग काफी लोकप्रिय है, पर अक्सर दांतों के दर्द में हमने लौंग का इस्तेमाल करने की बात सुनी और आजमाई भी है। आयुर्वेद में पारंपरिक रूप से दंत चिकित्सा प्रक्रियाओं में लौंग का उपयोग किया जाता रहा है। यही नहीं, गले के संक्रमण में लौंग चबाने से आराम मिलता है। इसके अलावा आप अदरक या जिंजर का भी यूज नेचुरल एंटीबायोटिक के रूप में कर सकते हैं। अदरक बैक्टीरिया से होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स को ना सिर्फ ठीक करती है बल्कि हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स से बचाती भी है। अदरक का इस्तेमाल मतली और मॉर्निंग सिकनेस के इलाज के लिए किया जा सकता है। आप चाहे तो 1 इंच लंबा अदरक का टुकड़ा लें, उसे 1.5 कप पानी में उबालकर पी सकते हैं। यही नहीं, आप चाहें तो शहद और नींबू में अदरक डालकर भी ले सकते हैं। इसके अलावा खाने में भी अदरक डाल सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है नीम या नीम लीव्स। नीम को भी एक नेचुरल एंटीबायोटिक माना गया है, खासकर जिन लोगों को पिंपल्स एंड एक्नी की परेशानी है उनके लिए ये काफी इफेक्टिव है, क्योंकि नीम की सहायता से पिंपल्स एंड एक्नी के बैक्टीरिया को नष्ट किया जा सकता है। यही नहीं, नीम से कई मुंह की समस्याओं जैसे कैविटी, मसूढ़े में सूजन आदि समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा त्वचा के रोगों को दूर करने के लिए भी नीम लाभदायक है। नहाने के पानी में भी नीम का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी। इसके अलावा अजवाइन एक प्रभावी प्राकृतिक एंटीबायोटिक है। साथ ही दालचीनी, काली मिर्च, एप्पल साइडर विनेगर आदि भी कुछ ऐसे औषधि संबंधित पौधों में है जिनका उपयोग प्राकृतिक एंटीबायोटिक दवाओं के रूप में किया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि इन हर्ब्स को बहुत ज्यादा मात्रा में लेने से बचें, क्योंकि इससे एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हो सकती है।
और इन्हें एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से परामर्श करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।